हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 67th की जो अब एग्जामिनेशन होने वाली है और जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन नेक्स्ट बैचेस की 68th 69th इन सब बैचेस की जो एग्जामिनेशन होगी उसके लिए बीपीएससी में करंट अफेयर्स के क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए और उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इस विषय पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी का बुक लिस्ट दे दिया था, आप नहीं देखे हैं वीडियो तो एक बार देख लीजिए, और इसका हमने रिव्यू भी किया था, रिव्यू के साथ साथ नोट्स बनाने कैसे बनाने हैं ये भी बताया था हमने। आइए तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि 67th बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन हुई थी तो करंट अफेयर के सोर्स को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि 67th बीपीएससी में करंट अफेयर कितना पुराना आखिर पूछा गया था। ये सिर्फ 67th में अभी मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं 60-62 बैच से लेकर के और 66 और 67 बैच इवन यहाँ तक का एक अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि करंट अफेयर कितने पुराने पूछे जाते हैं, आपको कितने पुराने करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पढ़ के जाना है। मार्केट में बहुत सारे लोग आपको ये अप्रोच करेंगे कि वन ईयर का कोई एक मैगजीन ले लीजिए, पढ़ लीजिए और आपका बीपीएससी हो जाएगा, लेकिन इसे बीपीएससी नहीं होता है कभी और होगा भी नहीं कभी। आइए अभी मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ, जो सोर्सेज बता रहा हूँ उसको देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि बीपीएससी जो है कब से कब कितना पुराना क्वेश्चन जो है पूछती है। ये देखिए, यहाँ से 31 से ये है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है, और इसमें जो है क्वेश्चन 31 से शुरू है करंट अफेयर का। देखिए इसमें कितना करंट अफेयर पुराना पूछा गया है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे सही से। देखिए अटल सुरंग, ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद देखिए, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, 2017 में ही इसको मिलाया गया था, और ये बिहार एसआई मेंस का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 24 अप्रैल को संभवतः हुआ था 2022 में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जब अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उसी समय इन्होंने जो है किया था। तो ये देखिए कितना पुराना क्वेश्चन आ रहा है। उतना ही नहीं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य पूछा जा रहा है, ये भले आप पढ़े हों सही किए हों, लेकिन ये सब क्वेश्चन, आपका एग्जामिनेशन कब हुआ है, आपका एग्जामिनेशन 8 मई को हुआ है, देखिए आपका एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है आपका। ये देखिए यहाँ पर जो आपकी जो 67th बीपीएससी की एग्जामिनेशन हुई है, बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई है वो 8 मई को हुई है, ठीक है, 2022 को, और क्वेश्चन देखिए कितना पुराना पूछा जा रहा है आपसे, 2019 के अधिनियम से पूछे गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये अभी की नहीं है, ये भी पुरानी है। उसके बाद देखिए जो जम्मू और कश्मीर राज्य का जो विभाजन हुआ तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें उसमें पूछा गया कि इसमें किस में जो है विधायिका नहीं, इसको कई सारे लोग पॉलिटी में ले जाएंगे, लेकिन पॉलिटी से रिलेट करके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये विभाजन के बाद जो हुआ है, और विभाजन इसका कब हुआ आप सभी जान रहे हैं। उसके बाद ये ठीक है, ये देखिए पूछा गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई, देखिए कब शुरू की गई, यानी जो जो पुरानी क्वेश्चंस हैं ये फरवरी 2019 और आपका एग्जामिनेशन 8 मई 2022, क्या ये इस दोनों डेट में एक साल का अंतर है, एक साल का करंट अफेयर पढ़ के आप बीपीएससी निकाल ले जाएंगे, नहीं होगा। उतना ही नहीं, और क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, पूछा जा रहा है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, ये झड़प ये गलत हो गया था, ये सही है इसका आंसर, जून 2020 होगा। तो जून 2020 में जो घटनाएं हुई थी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपसे पूछा जा रहा है 8 मई 2022 के एग्जामिनेशन में। तो कई सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि इस प्रश्न को पहले के आधार पर ही सेट किया गया था, जी हाँ ये सही है, इस प्रश्न को जो है जनवरी 23 जनवरी को जो एग्जामिनेशन संभवतः इसकी आई थी, डेट आई थी, उसी के आधार पर इसको सेट किया गया था। लेकिन 23 जनवरी 2022 से जून 2020 के बीच में क्या एक साल का ही गैप है, नहीं है, इसीलिए आपको मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर कब से कब तक के आपको पढ़ने पड़ेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है, इतना तो मैं कहूँगा। मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए
ये क्वेश्चन देखिए 60 नंबर पूछा जा रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है 2020 में शुरू किया गया था। क्या ये 2020 में पूछा का क्वेश्चन है जून जुलाई अगस्त सितंबर का, और ये देखिए मई में आपका एग्जामिनेशन हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक साल का करंट अफेयर पढ़ लेने से जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी कारण कुछ लोग जो है 2, 3, 4, 5 नंबर से फेल कर जाते हैं, क्योंकि यही सब करंट के क्वेश्चन आपको 1 ईयर के जो जिस्ट आती है, चाहे वो क्या कहते हैं वार्षिकांक आती है, उससे आपका नहीं मैच करता है और आप जो है फेल हो जाते हैं 2-4 नंबर से, और फिर इसकी गारंटी कोई नहीं लेता है, इसीलिए मैं आपको दिखाया हूँ। चलिए अब इस पर ज़्यादा समय हम नहीं देते हैं, इसके बारे में हम 60 से 60-62 बैच से लेकर 67 बैच तक का हम एक बार आपको करंट अफेयर दिखाएंगे और पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कैसे पढ़ना है, और फिर एक हमने जिस्ट तैयार किया है, उस जिस्ट को भी आपको उसका PDF अवेलेबल करवाएंगे ताकि आपको ये री एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं हो। वो जिस्ट मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग करेंट अफेयर जो 67th की री एग्जामिनेशन होने वाली है, 67th की री एग्जाम के लिए, ठीक है, BPSC, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए करेंट अफेयर जो है उसका अप्रोच थोड़ा अलग आपको यूज करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको नेशनल और इंटरनेशनल का एक मैगजीन लेना होगा, और दूसरी तरफ जो है बिहार के लिए अप्रोच यूज करना होगा, ठीक है, बिहार के लिए करंट अफेयर। इसमें आप वार्षिकांक लेंगे चल जाएगा, इसमें आपको केवल वार्षिकांक से नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा, देखिए क्या क्या करना होगा, मैं मैगजीन भी अभी साथ साथ दिखाता चलूँगा, आपको दिक्कत नहीं होगा आपको कोई। देखिए पहले आपको एक मंथली मैगजीन चाहिए होगा, मंथली मैगजीन जो है आप प्रतियोगिता दर्पण की लेंगे PD, दूसरा जो है आप ईयरली मैगजीन लेंगे, ईयरली मैगजीन जो है आप मैं दिखा ही देता हूँ, ये देखिए प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2022 की है। यदि आप कोई मैगजीन अलग से मंथली पढ़ते हैं तो मंथली मैगजीन पढ़ना ही चाहिए, और कोई अलग से आप पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छा लगता हो और मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हो, आप पास कर रहे हो प्रीलिम्स, तो कोई बात नहीं, आप उसको रख सकते हैं जारी। लेकिन यदि आप अभी तक नहीं लिए हैं कोई ऐसा मैगजीन जो मंथली आधार पर हो, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको सिविल सर्विसेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आप इसको पढ़ें, और इसमें जो है जो नए स्टूडेंट पास करते हैं UPSC BPSC, तो उनका साक्षात्कार भी इसमें दिया होता है, तो आप उसको पढ़ के थोड़ा सा आपका ज्ञान अर्जन होगा, आप सीखेंगे, ठीक, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप ये मैगजीन लेंगे प्रतियोगिता दर्पण, और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं सेपरेट प्रतियोगिता दर्पण का दिखाऊंगा कि इससे कितने करेंट अफेयर जो है 67th में पूछे गए हैं, और इससे पहले के जो 60, 62 से 66 तक के एग्जामिनेशन हुए हैं बैसेस के, BPSC प्रीलिम्स के, उसमें कहाँ कितना कितना क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए हैं, तब आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। नेक्स्ट है परीक्षा मंथन, ये देखिए यह है परीक्षा मंथन, आप परीक्षा मंथन की वार्षिकांक आती है ये आप ले लेंगे, ठीक है, तो ईयरली मैगजीन में मैं लिख देता हूँ परीक्षा मंथन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये भी आपका ईयरली मैगजीन ही होगा, और ये ईयरली मैगजीन देखिए इस टाइप का होगा, ये दृष्टि का होगा, ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, घटना चक्र की आती है, और इसको इस तरह से आपको जो है पढ़ना होता है, ठीक है। कई सारे लोग पढ़े ही होंगे, फिर भी जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो कभी किसी बात को लेकर। तो ये इस तरह से आप जो है ये एक मैगजीन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा की नहीं आती है, 130-135 रुपये की पड़ेगी, इस पर कुछ डिस्काउंट भी रहेगा, तो न्यू वाली आप ले लेंगे, ठीक है। दृष्टि आप देख लिए, तो ये आपका हो गया दृष्टि, ये जो है लिख देता हूँ घटना चक्र की आती है, ठीक है। और लास्ट एक मैं बताऊँगा, आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो है SPD की, ये देखिए SPD क्यों मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, मैं बता देता हूँ, ये न्यू वाली है, इसमें ये देखिए 1 जुलाई 2022 की है। आपको जो है इस एग्जामिनेशन के लिए अगर अगस्त के लास्ट वीक में ये एग्जामिनेशन BPSC लेती है तो आप 1 अगस्त 2022 वाला जो नेक्स्ट मंथ आएगी वो ले लेंगे, ठीक। इसमें मैं आपको पुरानी मैगजीन से बताता हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है,
देखिए इसमें जो है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है आर्थिक समीक्षा को, केंद्रीय बजट 2022-23 को, उसके बाद केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं वो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 से संबंधित, उसके बाद पुरस्कार सम्मान पदक टोक्यो ओलंपिक खेल परिदृश्य के साथ महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह। मैं ये क्यों बता रहा हूँ इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, तो 66th BPSC में जो है टोटल 49 करेंट के क्वेश्चन आए थे, उसमें जो फोकस्ड एरिया हमने पाया वो ये था। देखिए टोटल थर्ड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आउट ऑफ 49 क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा कि वो 49 क्वेश्चन 66th BPSC में करेंट अफेयर के कौन कौन से आए थे, ये भी दिखाऊंगा। ये टोटल 33 क्वेश्चन जो है सिर्फ यहीं से पूछे गए थे, वो देख लीजिए आप एरिया क्या क्या है। फोकस्ड एरिया पुरस्कार 5 क्वेश्चन, योजना 10 क्वेश्चन, खेलकूद 4, सम्मेलन बैठक से 5, बजट आर्थिक समीक्षा से 5 और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 66th BPSC की, मैं बता रहा हूँ ये। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी हम यहाँ बताए हैं टॉपिक, वो टॉपिक यहाँ पर है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्टली आप इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देके पढ़ लेंगे ताकि करेंट का कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ये SPD का जो है वार्षिक अंक आप ले लेंगे, ठीक है, ये भी ईयरली मैगजीन ही है। और ये हो गया। अब बिहार के लिए जो स्पेशल अप्रोच यूज़ करना है उसके लिए मंथली आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, और डे बाय डे मंथली ये सब, वीकली ये सब बेकार है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उतना। फिर आपको GS पर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा मार्क्स जो है गेन हो पाएगा आपका। तो इसमें आप वही ईयरली मैगजीन ही यूज़ करेंगे, और तीन तरह का मैगजीन इसमें मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए कौन कौन सा है बिहार के लिए। एक जो है सबसे पहला, वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, दृष्टि IAS की है ये, बिहार करेंट अफेयर के नाम से आती है, आप में से कई सारे लोग इसको देखे होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। तो ये चीज़ आप करेंगे बिहार करेंट अफेयर के लिए, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ बिहार बिहार करेंट अफेयर दृष्टि IAS, ठीक है, ये ले लेंगे। और एक जो है KBC नैनो की इस तरह की आएगी, देखिए 67th BPSC प्री एग्जामिनेशन के लिए 2022 के लिए बनाया गया था इसको, बिहार वार्षिकी लिखा हुआ है, करंट अफेयर, आप ये ले लेंगे, ये भी बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, KBC बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, आप ये ले लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ये ईयरली है, वार्षिक अंक ही है, ईयरली मैगजीन है, और इसका जो है आपको लेना है KBC का, ठीक है, KBC नैनो बिहार करंट अफेयर, ठीक। और जो थर्ड है वो ईयरली मैगजीन उसी का, SPD का ही है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए SPD का ही है, ये बिहार करेंट अफेयर वार्षिक अंक है, आप ले लेंगे, पतली सी है, दिन भर बैठेंगे तो पूरा आप इसको जो है कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप SPD, ठीक है। तो मुझे लगता है करंट अफेयर का जो ये अभी मैं सोर्स बताया हूँ ये सफिशियंट है, और इसमें यदि 35, 38 या 40 क्वेश्चन मानकर चलिए ऑन एन एवरेज कि पूछे जाएंगे BPSC में, तो आप 40 में से 35-36 क्वेश्चन इतने से कर लेंगे आराम से। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ कि 40 में 40 कर लेंगे, और ये भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि 35 आप कर लेंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सोर्स को आप यूज़ कैसे करते हैं, पढ़ते और रिविज़न कितना करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।